और असल भाई आप ठीक हैं? बस यार ठीक ठाक, आप सुनो? बच्चे ठीक ने, अल्लाह का शुक्र। मैं उधर मर ही गया था, दिल नवाज भाई के पास मिला हूँ। मिले दिल नवाज से? बहुत अच्छे, माशाल्लाह उसके अच्छे हालात हैं। अच्छा, गुड, वेरी गुड। उसकी दुकान बीवी भी बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा, गुड। तो कारोबार माशाल्लाह ठीक जा रहा है। दो दुकान है उसकी? दो दुकान है। ये बेसिकली जब मैं बता रहा हूँ, गफूर में हमारे साथ होते थे मरी में, काफ़ी अर्सा हमारे साथ रहे हैं, तो उधर हमारे और भी जो थे हेल्पर शॉपकीपर, अब उन्होंने अपनी शॉप्स बना ली हैं। तो दिलनवाज एक था हमारा बड़ा हरदिल अजीज, वफूर का दोस्त भी था, दिलनवाज था और एक और भी था ना, दूसरा मुझे याद है ना, अच्छा हाँ वसीम, वसीम हाँ। तो अभी ये मिला है जाके उनसे, कितने से पहले गया था मरी? मरी तकरीबन डेढ़ साल हो गए गए। हाँ, तो आपको बहुत याद कर रहे थी। अच्छा, बाजी को सलाम दे रहे थी। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। नहीं यार, अभी हमें भी मौका मिले तो हम लोग जाएंगे, हमजा मैंने सोचा होगा, बड़ी यादें यार उस टाइम की। हाँ जी बिल्कुल। पानी नहीं लगता? हाँ, क्या पानी लगेगा? इतने बोटे बोटे होते हैं ये। अच्छा, हाँ पानी का मसला है इसको। अच्छा, इसमें इस बार हाँ कुछ और भी कह रहा था, बारिश नहीं होती है इसमें। हाँ जी बिल्कुल, फ्रूट जाया बहुत हो। ये सावन की बारिशों का असर सर्दियों में होता है जाके? नहीं, सर तकरीबन होता रहता उसी टाइम भी, अब बारिश हुई तकरीबन 6 महीने हो गए, 5-6 महीने में नहीं बारिश हुई। खुद लगाई जाके? खुद लगाई। कैसे वो? ये कितना है, कितने दूर, कहाँ से कहाँ तक है? उसको ने तो लाख रस्ते तक है। सही है, नहीं तो उसको लगाया किस तरह? खुद उसको की हार्वेस्ट? नहीं नहीं, वो ट्रैक्टर वगैरह के साथ लगाते हैं इधर। नहीं, वो किसी और से करवाया ना, ट्रैक्टर मैंने वो लगा के किसी और से मंगवाया, जो उठा लेता पूरा शरीर उठा लेता। सांप है? हां है यार। अच्छा, हां यार, हां जी सांप है यार। अभी हर सीजन में होते हैं? नहीं नहीं, सिर्फ गर्मियों में, सावनों के मौसम में। अच्छा अच्छा, हाँ जी सावनों के मौसम। अच्छा यार, पूरी कितने दिन के हो गए? तकरीबन 12 दिन के हो गए। और कितने, 45 दिन में तैयार होता है? 45 दिन में तैयार हो जाएगा। तो ये कितने में, 1000 डले में? अभी 12000 डले में। दोनों शेड मिला के? दोनों शेड मिला के। हाँ जी भाई, तो ये बताएं कि ये तरीका जो प्रोसेस है पूरा? जी जी। चूजा खरीदा जाता है? जी और से? जी जी, चूचा खरीदा, हैचरी से खरीदा जाता है। हैचरी से खरीदा जाता है, ठीक है। और कितने दिन का होता है? तकरीबन बस अंडे का निकल जाता है, हमें दे देते हैं एक दिन का। अच्छा, एक दिन का। और फिर कितने अरसे आप रखते हैं पास अपने? तकरीबन 40-45 दिन। उसमें पूरी मुर्गी बन जाती है? पूरी मुर्गी बने, 2 किलो का फीड वगैरह डाल के? फीड वगैरह डाल के। हाँ जी। और अंडे वगैरह वो मुर्गियाँ लेती है? ये अंडे नहीं देती, ये सिर्फ खाने वाली है। इस फार्म पे अंडे वाले यूज करते हैं? अंडे निकालते हैं कि नहीं निकालते? पहले निकालते हैं, तकरीबन आज तो 10-15 साल पहले डाली थी हमने, उससे बाद नहीं डाली हमने। अच्छा सही। और फिर ये जब बन जाती मुर्गी, हाँ जी, यहाँ से फिर वो आरती लेके जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर? हाँ, इधर से हम शेयर कर देते हैं गाड़ियों को, पठानों ले जाते हैं, कोई आरती ले जाते हैं। चूजा कितने का पड़ता है आजकल, क्या रेट है? आएगा तकरीबन 80 रुपए चूचा है। 80 रुपए का चूचा? अच्छा ठीक है। 45 दिन का प्रोसेस है? हाँ जी। और ये पूरे साल चलता रहता है? ये तकरीबन जब खाली होगा दोबारा 10-15 दिन खाली रखेंगे। अच्छा ठीक है। फिर दोबारा तो ये एक साल में कितने फ्लॉक डलते हैं? तकरीबन आता 4-5 फ्लॉक ज्यादा पानी चलते हैं। अच्छा, और ये फीड वगैरह जो है ये खुद बनाते हैं कि लेके आते हैं? नहीं, लेके आते फैक्ट्री से। ये बोरियां वो पड़ी है जो पीछे? हाँ जी, वो वाली बोरी। अच्छा, ये खुशबू उसी की आ रही है? उसी की आ रही है। तो इसको डे टू डे मैनेज करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है आपको? बस इसका टेम्परेचर कितनी बार देते हैं? तकरीबन छोटे चूचे 3 दफा देते हैं, तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर। 15 दिन बाद 2 दफा देते हैं, सुबह शाम। अच्छा, और इनको टेम्परेचर देना पड़ता है, सर्दी में अंदर तकरीबन 70 टेम्परेचर होना चाहिए। सही सही सही, अंदर डिग्री ना 70 डिग्री। सही सही सही। अच्छा, हुन आप टेम्परेचर देखें तकरीबन बराबर है हमारा। अच्छा सही। तो रात को थोड़ा इससे तेज करना पड़ता है, मैं भी रात जब ठंडी हो जाती है रात तेज करना पड़ता है। तो सर्दियों में टेम्परेचर जरूरत नहीं होती, सर्दियों में उस तरह गिट्टी से। वो किस तरह ये आप कंट्रोल करते हैं? ये गिट्टी लगी हुई अंदर 2 गिट्टी, ये लकड़ी जलाते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, अंदाजे से करते हैं? अंदाजे से करते हैं, हम लोगों का तजर्बा है ना काफ़ी अर्से से। लोग कोई थर्मामीटर ला देने, थर्मामीटर ला कर उन्हें पता होता है फलाना फलाना टेम्परेचर बाहर लग गए अंदर लग गए। पिछले फ्लॉक में मारी तकरीबन 500 उसका, पिछली दफा मारी तकरीबन 1000 मुर्गी। वो था शेड 1, तो एक और ये दूसरा शेड है हमारे पीछे, तो उधर भी चूजे डाले हुए। अच्छा, उधर भी इस तरह ही है? उस तरह ही है। चलें थोड़ा सा देख लेते हैं उसको भी। यहाँ से ना जगह बहुत अच्छी है और जनता और जगह है, बहुत
गर्मियों में बहुत अच्छी जगह होती है और सर्दियों में धूप के लिए अच्छी जगह है। दरेके लगी है, दरेके खुश्क हो जाती है सर्दियों में, गर्मियों में जरा साया कर देती है। अच्छा अच्छा, और पानी भी खुबे का बहुत अच्छा है, बाकी बोरों का अच्छा है पानी, हमारे में पानी बहुत है कमी। सारी देसी खुराक है, हाँ जी, सब कुछ खालिस ऑर्गेनिक चीजें सारी खुद उगाई हुई है। देसी अंडे यहाँ पे देते हैं मुर्गियाँ? देसी अंडे मिल जाते हैं थोड़े से, हमारे पास सिर्फ सील है, सील हम खुद शौक से रखे हुए। ये तो सील और देसी में फर्क है? सील देसी में फर्क है, ये जरा सील महंगे होते हैं थोड़े। वो तो मर्द होता है ना मुर्गा, जो देसी अंडे तो मुर्गी देती है ना, मुर्गी देती है, उसी को देसी थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा अच्छा, देसी और सील चीज असल में एक है जी। और यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा है, चोरी चकारी नहीं है, डर खतरा नहीं है, जैसे मर्जी रात को फिरो। एक रात में तकरीबन 2-3 चक्कर लगाता हूँ शेड में, केला आके उधर से इधर आता हूँ रात को। हाँ, टेम्परेचर देखता हूँ अंदर, कुत्ता वहाँ खुले होते, कुत्ते पास थोड़ा बहुत खतरा होता, थोड़ा बहुत भौंक देते। ये मुझे थोड़े बड़े लग रहे हैं, नहीं जो फर्क है, हाँ एक कट्ठे थोड़ा सा शेड में अच्छा चूचा पलता है। जगह खोलते रहते हैं, पहले 2-5 पिलर दिए थे, आस्ता आस्ता बड़ा जो बड़ा जगह खोलते गए, और जगह भी आ जाएगी, आस्ता आस्ता पूरा शेड कवर हो जाएगा। नहीं मोटर पे नहीं, इसी पे एक रोड है, खुली नहीं लोगों के लिए? नहीं खुली है, जा रही है, जगह जाती है ये थोड़ा सा, ये इधर से तकरीबन यहां से वापस कर जा सकते हैं? हां कर जा सकते हैं आप, इसका मतलब है कि हम नीचे से गुजर के परली तरफ चढ़ जाना, ऊपर बोर्ड लगा होगा, बोर्ड नहीं लगा, परली तरफ ऊपर चढ़ जाना, और ये रोड उतरी जहाँ पे 2 पोल क्रॉस होंगे, पहले एक रेलवे का पोल आएगा, फिर आगे फतेह जंग रोड पे आएगा, उसके ऊपर चढ़ जाना बस आपने, फिर सिर्फ पिंडी की तरफ चढ़े जाना। ये कहाँ से लेकर आया? ये मैं वो भावनगर से लाया, सही बकरियां भी सी, बकरियां 2 बेच, 3 सी बकरी, 4 बेच दी मैंने, फ्रेंडली बकरे हैं। हाँ हाँ, जो बकरी है ये काम सही किया तो अबू, जरा गांव कौन से ओरिजिनल थाई वन रास्ते में ले लिया, ये देसी चूजे हैं, असील हैं भाई, असील हैं, मुर्गा प्यार होंगे इसमें, गुड यार। और ये मायन की, ये मायन की मारना शुरू हो जाए, नहीं मारते, गुड यार, वेरी गुड। ये कह रहा मुझे बाहर निकाल, हाँ ये कह रहा बाहर निकाल, मैं लड़ू किसी के साथ। ये यहाँ मामू रुकते हैं आगे? हाँ जी, कभी कभी रात रुकते हैं, पहले हो रहे थे यहाँ थे, मैं कोको था शाही जी का, हाँ पहले कोको था शाही जी का, मैं इधर होता था, मैं खाना बना खाता था, फिर शाही चले गए खुद, फिर शादी कर ली, फिर मैं इधर काम कर ला, फिर अपना फार्म कर ला। स्पेशल मुर्गा है,
इसके कलर से पता चलता है कि कौन सा अच्छा सी है? नहीं, ये सरा नहीं पता लगता। अच्छा। वैसे ये देखते होते हैं, ये नहीं, ये पंजे शंजे नली शली आंख देख ली, ये देख लिया। क्यों जी, सही बता रहा हूँ, ये चीजें चेक करते हैं। ये बेचते भी हैं सील मुर्गे? नहीं यार, बेचते नहीं है, शौक से रखे हैं। शौक से रखे। ये क्या हो रहा है? ये भाई कमरा बना छोटे सीलो मुर्गों का। सील मुर्गों का? हाँ, सील मुर्गों का बांट रहा है। सुबह के हम इधर लगे हैं, ताए जो बिजी हैं, आपको टाइम नहीं दे सकते। अच्छा, नहीं, नहीं। फिर कभी आएंगे, आपको टाइम देंगे। इससे थोड़ा सा ना अब छोड़ देंगे, इसमें ये गिर जाएगा। तो ये कंक्रीट कहाँ से लाए? ये बाजार से खरीदी है। सही। और वो सीमेंट खुद मिक्स किया हमने इधर। सही है। हाँ जी, ये तकरीबन घंटे दो तैयार हो जाएगा। अच्छा, जबरदस्त। हाँ जी गैस, तो आपने देखा यहाँ पे, अच्छा हमने डे स्पेंड किया। हम पहुंच गए थे, एक्चुअली प्लान तो था कि 10 बजे निकल जाए, लेकिन निकलते निकलते थोड़ी देर होगी, और फिर पहुंचते पहुंचते तकरीबन 1 बज गया था। फिर हमने चाय पी, थोड़ा सा सैंडविच वगैरह खाए, फिर क्रिकेट खेला, पहले हार्ड बॉल से, फिर टेप बॉल से, थोड़े से ड्रोन शॉट्स भी कैप्चर किए। तो काफ़ी मज़ा आया। तकरीबन ये मैं 21 साल बाद आया हूँ यहाँ पर, और यू नो चेंजेस भी आई हैं यहाँ पर, बट मोर और लेस इट्स स्टिल द सेम। काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स लगे हैं यहाँ पर, तो बड़ा मज़ा आया। होपफुली आप लोगों को भी ये जर्नी इंटरेस्टिंग लगी होगी। आप सब लोग अपना ख्याल रखना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।